अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करते चलें। यौमे आशूर के मौके पर सीनियर पुलिस ऑफिसर DSP सर्कल जहानिया ने अदम बर्दाश्त का मुजाहिरा करते हुए बुज़ुर्ग पुलिस अहलकार को अवाम के सामने थप्पड़ रसीद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बुज़ुर्ग पुलिस अहलकार आबिद नवाज़ पुराना डाकखाना बाजार में मुहर्रमुल हराम की ड्यूटी पर तैनात थे। आबिद नवाज़ ने लीड न्यूज़ से बात करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आबिद नवाज़ हुसैन है, मैं हेड कांस्टेबल हूँ थाना ठट्ठा साहब का बाद में तैनात। सर आज 10 मुहर्रम की मेरी ड्यूटी जहानिया में थी जुलूस के साथ, और मेरी पॉइंट ड्यूटी SHO साहब ने लगाई थी, वहाँ पर मैं मौजूद था कि DSP साहब जहानिया गुलाम मुस्तफ़ा गुज्जर साहब, सर उन्होंने अपने रीडर के ज़रिए मुझे बुलाया और बुला के मुझसे पूछा आप क्या ड्यूटी कर रहे हैं। मैंने सर अर्ज़ किया कि मैं वहाँ पर वॉलंटियर के साथ ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ, जो वॉलंटियर हैं वो सर चेक कर रहे हैं उनको जो अंदर जा रहे हैं जुलूस में, और मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। उन्होंने ना मुझसे कोई बात पूछी, ना कोई आगे जवाब दिया, और मुझे एक थप्पड़ रसीद किया। आवाम के सामने सर उन्होंने मेरी इंसल्ट की है, मुझे इंसाफ चाहिए सर। जनाब एडिशनल IG साहब जुनूबी पंजाब, जनाब IG साहब और जनाब RPO साहब और जनाब DPO साहब खाने वाले, सर मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मुझे क्यों थप्पड़ मारा गया, आवाम के सामने मेरी क्यों इंसल्ट की गई।